हेलो नमीरा, मैं। हाँ हीना, बोलो। नमीरा, अभी अभी तुम्हारी अम्मी यहाँ आई थी। हाँ, मुझे पता है, और ये भी जानती हूँ उन्होंने तुमसे क्या कहा होगा। नमीरा, मैं एक बार फिर कहती हूँ, रूबी को अपनी बहू बनाकर वो बहुत बड़ी गलती कर रही है, तुम उन्हें समझाती क्यों नहीं? देखो हीना, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये तो आपने बहुत ही बुरी खबर सुनाई है तौकीर। मेरी बरसों की ईमानदारी को बेईमानी का दाग लग जाएगा। खुदा गवाह है, मैंने कभी एक रुपए की भी बेईमानी नहीं की है। अब दुनिया तो मुझे ही फ्रॉड समझेगी ना। या खुदा, इससे अच्छा मुझे मौत दे दे। ऐसा मत कहिए। अब क्या आप मुझे रुलाना चाहते हैं? ये सब हुआ कैसे? इसे तुम मेरी लापरवाही समझो या बेवकूफी। उस दिन जब अब्बू की तबीयत खराब हुई थी और तुम बैंक में आई थी, तो जल्दी जल्दी में मैंने साइन कर दिए। मैंने उस जोशी पे भरोसा किया और उसने मेरे साथ धोखा किया। I'm sorry, ताकीर। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन घबराती और ना ही आप हड़बड़ाहट में साइन करते। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। आज के वक्त में मैंने किसी पर यकीन किया और उसी यकीन की गलती की सजा मुझे मिल रही है। लेकिन गबन उसने किया है तो इल्जाम आप पर कैसे आएगा? बैंक मैनेजर मैं हूँ नमीरा। RBI में कैश जमा कराने से पहले उसे गिनकर साइन करना मेरी ड्यूटी है। जल्दी जल्दी में मैंने ध्यान नहीं दिया और साइन कर दिए। अब ऑडिट में पूरे 2 करोड़ रुपए का डिफरेंस आएगा। अब पैसे जोशी लेकर भाग गया। अब दुनिया तो यही समझेगी कि ये फ्रॉड मैंने किया है। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊंगा? अब इंक्वायरी जरूर होगी ना मीरा। अब बात अगर CBI तक पहुंची तो मैं इल्जाम से नहीं बच पाऊंगा। आपकी ईमानदारी पर किसी को शक नहीं है। हम सबको आप पर पूरा भरोसा है तौकीर। कमिश्नर अंकल अबू के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं अबू से बात करूंगी, हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी हालत में अबू को नहीं बताना चाहिए। मैं जोशी को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं मिला। तौकीर, देखिए आप घबराइए मत, थोड़ी हिम्मत रखिए, अल्लाह है ना हमारे साथ। हेलो हीना। अरे आप, आज इस वक्त मेरी याद कैसे आ गई आपको? एक काम के सिलसिले में फोन किया था। बात यह है कि मैं एक बहुत ही जरूरी फाइल भूल गया हूँ और मुझे यकीन है कि वो बेडरूम में पड़ी है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से किसी आदमी को भेज देता हूँ, तुम उसके हाथों से। किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, वहीं से आपको फाइल लेने आ जाऊंगी और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। आजकल आप अपने काम में इतने मसरूफ हैं कि घर में होते हुए भी आपका ध्यान ऑफिस में ही रहता है। तो क्या ख्याल है, ऑफिस को ही घर बना ले? ये तो मेरे आने पर ही डिसाइड होगा। मैं तुम्हारे आने का इंतजार करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय अकरम। हाय रूबी, प्लीज बैठो ना। अच्छा वो तुम आ गई रूबी, मैं तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल बात यह है कि मैं मिस्टर ओबराय के मामले को लेकर बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं भी उसी के बारे में बात करने आई हूँ। तुम्हारी कोई बात हुई उनसे? हाँ अकरम, मगर वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गए। क्या मतलब? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका कोई हाथ नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? उन्होंने तो मुझे धमकी दी है कि। माना अकरम कि तुम्हें धमकी मिली है, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मिस्टर ओबराय का हाथ हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा कोई स्टाफ तुम्हारे दुश्मन से मिल गया हो और उसकी मदद कर रहा हो। रूबी, अगर तुम्हारी बात पर यकीन किया जा सके तो वो आदमी कौन हो सकता है? जब तक उसका पता नहीं चलता किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब सबसे पहले मुझे उस आदमी के बारे में पता लगाना होगा। हाँ, मगर तुम्हें ये काम जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि मेरी शादी समीर के साथ होने वाली है और शायद ही मैं उसके बाद तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ क्योंकि मैं काम छोड़ने वाली हूँ। रूबी देखो, समीर से शादी करके तुम खुश रहोगे लेकिन समीर खुश नहीं रहेगा। कभी कभी सोचता हूँ कि आखिर तुम दोनों की शादी निभेगी भी या नहीं।
कहूं? बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। हीना भी तो तुम्हारे साथ शादी करके खुश नहीं। क्या कह रही हो तुम रूबी? मैं हीना की दिल की बात कह रही हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? अकरम, मैंने कहा था ना, आईना चाहे दिल का हो या रिश्तों का, टूटने के बाद जब जोड़ा जाए तो उसमें निशान रह जाता है, और अब तो ये निशान रंग दिखाने लग गया है। मेरा कहने का मतलब ये है अकरम, कि जिनके दिल में खुशी हो, जिनके घर में खुशी हो, वो दूसरों की खुशी में भी अपनी खुशी देखते हैं। लेकिन जिनके घर में खुशी ना हो, वो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए शायद, और यू कैन से फॉर श्योर, हीना ये नहीं चाहती कि मेरी और समीर की शादी हो। थे, बड़े परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं खाला जान, मैं रूबी की कही हुई बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं। रूबी की कही हुई बात? मैं कुछ समझी नहीं। खाला जान, रूबी ने कहा कि हीना मेरी और रूबी की शादी से खुश नहीं है, वो इस शादी को रुकवाना चाहती है। अच्छा? हाँ खाला जान, अब समझ में नहीं आता है कि आखिर हीना ऐसा क्यों चाहती है। समीर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हीना तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आना चाहती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि रूबी तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही मौजूद हो। अगर हीना ऐसा चाहती है तो फिर मेरे सामने उसके तेवर बदले हुए क्यों होते हैं खाला जान? तो क्या वो डिंडोरा पीटती फिर इस बात का? देखो, कोई ऐसी वैसी बात अपने दिल से निकाल लो। लेकिन मैं इस बात को अपने दिल से कैसे निकालूं खाला जान, कि अम्मी और अबू मेरी शादी रूबी के साथ करवाने पर तुले हुए। हमें कुछ करना चाहिए खाला जान, कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा इस शादी को रुकवाने के लिए। मुझे बताइए मैं क्या करूं। मैं तो कहती हूं समीर, कि तुम रूबी पर ऐसा जाहिर करो कि उसके लिए तुम्हारे दिल में नफरत की जगह मोहब्बत पैदा होती जा रही है। तुम उसके एतमाद को जीतने की कोशिश करो। इससे क्या होगा? हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि उसकी नीयत क्या है, उसके दिल की बात का हमें पता चल जाएगा, तो शायद शादी रुकवाने में कोई ना कोई रास्ता भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे समीर, कि हमारे लिए सबसे जरूरी है उसकी नीयत जानना। ये क्या कह रही हो? फैजान साहब हॉस्पिटलाइज हो गए और हमें किसी ने खबर करना मुनासिब ही नहीं समझा। खैर, किससे शिकायत करें, अब उस घर से हमारा क्या रिश्ता? आपको जान के ताज्जुब होगा अम्मी, कि अब उस घर का रिश्ता रूबी के साथ जुड़ने वाला है। लेकिन मैंने तो सुना समीर राजी नहीं है। अब वो राजी हो गए हैं। चलो अच्छा, छुटकारा मिला तुम्हें समीर से। अब वो बार बार तुम्हें फोन नहीं करेगा और अपनी जिंदगी में आने के लिए नहीं कहेगा। मैं तो इस खबर से बहुत खुश हूं। हाँ अम्मी, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती हूं कि ये शादी हो, क्योंकि ये शादी उस घर की बर्बादी होगी। तुम्हें उस घर से इतनी हमदर्दी क्यों है? बेटा उनका, घर उनका, तुम उनके लिए पराई हो चुकी हो। भूल जाओ कि उस घर से तुम्हारा कभी नाता जुड़ा था। मेरी बात मानो हीना, अपना घर संभालो, अपने शौहर को खुश रखो, यही तुम्हारा फर्ज है। उस घर के लिए हमदर्दी अपने दिल से निकाल दो, तुम्हें उनके मामलों में दखल देने की जरूरत क्या है?